साहेब और साहेबात, कोई ढाई महीने हुए कि डॉक्टर फातिमा हसन ने मुझे एक किताब पेश की और बताया कि ये आपको बम्बई से जावेद सिद्दीकी साहब ने आपके लिए भिजवाई है। मैं तो जावेद सिद्दीकी साहब को बस इतना जानता था कि यहाँ नेपा में मैंने इनके दो बहुत अच्छे ड्रामे, एक का नाम बेगम जान और दूसरे का नाम सालगिरह, पेश किए थे, डायरेक्ट किए थे और उसकी बहुत पजीराई हुई थी उनकी। फिर उसके बाद इस हद तक इसकी तारीफ हुई कि हम वो खेल लाहौर ले गए और लहदा लहदा वक्फों पर वहाँ भी दिखाए गए और बहुत पसंद किए गए। अब जब ये किताब लंगर खाना खाके मैंने पढ़ी तो मेरी तो आंखें रोशन हो गईं। ऐसी उम्दा नसर मैंने बहुत दिनों के बाद पढ़ी थी, ऐसी नसर जिसमें मासूमियत भी है और गहराई भी, ऐसी नसर जिसमें शोखी भी है, बांकापन भी है और बुझते हुए शोलों की कसक भी है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अब उनसे मुलाकात हो गई। वैसे इससे पहले मैंने उन्हें एक बरकी ख़त लिखा कि आपकी नसर पढ़कर मुझे वही मज़ा मिला या मिलता है जो परत दर परत पराठे, ऐसा पराठा जिसमें ऊपर घी नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन जब मुंह में निवाला जाता है तो असली घी का खस्तगी के साथ जो सौंधापन है उस वो मुंह में रच जाता है। तो उनका जब जवाब आया तो हमारी खतों किताबत शुरू हो गई। अब ये वाकई बहुत अच्छी बात है कि मेरी उनसे मुलाकात हो गई। खाके जो इनकी किताब है लंगर खाना, मेरी नज़र में उसमें चंद ऐसे मज़ामीन हैं जो इनकी आप बीती के अबवाब हैं, तो मैं उनका एक बाब आपको पढ़कर सुनाता हूँ। उन्वान है इसका बी हुजूर। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर औरतें बूढ़ी हो जाएं तो बिल्कुल मेरी नानी जैसी नज़र आएंगी। मैंने जवानी तो देखी नहीं मगर उनका बुढ़ापा बहुत ही खूबसूरत था। चंपई गुलाबी रंगत, सफ़ेद बाल जो कभी सुनहरी रहे होंगे और जिनमें कहीं कहीं पुराना सोना चमक जाता था। ऊंची सतमा नाक, बहुत पतले पतले होंठ, हल्के रंग की आँखें जो कभी बादामी रंग की रही होंगी। कामत भी खासी थी, दूसरों के साथ खड़ी होती तो हमेशा सरबलंद नज़र आती। मुझे इनका शजरा कहीं से ना मिल सका वरना उनकी खूबसूरती का राज ज़रूर मालूम हो जाता। बस इतना सुना है कि एक सैयद ज़ादे थे जो किसी दूर देश से आए थे और उन्होंने परनानी से जो हिंदुस्तानी थी शादी कर ली थी। कितनी हैरत की बात है कि नानी की चार औलादों यानी बेटियों और एक बेटे में से किसी एक का भी नानी का रंग रूप नहीं आया, किसी एक में भी। मैं अम्मा को अक्सर छेड़ने के लिए कहता था, अम्मा भी बताओ तो तुम तो इतनी गोरी हो, नानी तो इतनी गोरी है, तुम सांवली क्यों हो? और अम्मा झेप कर कहा करती थी, मैं अपने बाप पर गई हूँ। मुझे अपने नाना की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती है। वो निहायत मुख्तसर से दुबले पतले आदमी थे, रंग गहरा सांवला था और छोटी छोटी चमकती हुई आँखों के नीचे एक बहुत ही ऊंचा ऊंची खमदार नाक थी जिसे देखकर लगता था कि ये उनके चेहरे का हिस्सा नहीं है, चेहरा उसका हिस्सा है। मैं अपनी नानी को भी हुजूर कहा करता था इसलिए कि उनके बाद बाकी नवासे नवासियाँ और पोता पाती जिनकी तादाद माशाल्लाह 29 थी यही कहा करते थे।
उनकी औलादें उन्हें अम्मी कहकर मुखातिब करती थीं, मगर वो दूर दूर तक खड़ाओं वाली सैदानी के नाम से मशहूर थीं। कभी उन्होंने कोई जूता चप्पल नहीं पहना। सुना है कि शादी के वक्त भी सुहाग के जोड़े के साथ खड़ाओं पहनकर ससुराल आई थी। सुना, और खड़ाओं भी ऐसी जैसे श्री राम पहनते थे, जो बाद में भरत जी ने जाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी थी। खड़ाऊं लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, जिसमें पांव तले दबाए रखने के लिए एक लट्टू जैसा लगा होता है, जिसको अंगूठे और उंगली की चिमटी में दबा के रखना पड़ता है। पता नहीं पुराने साधु संत और हमारी नानी किस तरह इस बेलगाम खड़ाऊं को कब्जे में रखते थे। मजाल है जो इधर से उधर हो जाए। मैंने तो जब भी कोशिश की मुंह की खाई। ईमानदारी की बात यह है कि मैंने इनसे कभी पूछा ही नहीं कि कपड़े तो अच्छे पहनती हैं, यानी गरारा कुर्ता और दुपट्टा, तो फिर उसके साथ ये खड़ाओं क्यों खटखटाती फिरती हैं। अगर पूछता तो ज़रूर कोई कहानी या दिलचस्प वजह मालूम हो जाती, मगर बचपन था और बचपन काम के सवाल ज़रा कम करता है। नानी खड़ाओं वाली सैदानी के अलावा और भी कई नामों से मशहूर थी। मसलन अल्लाह वाली सैदानी, बेरी वाली सैदानी। बेरी वाली इसलिए कि उनके लंबे चौड़े आंगन में बेरी के 8 पेड़ इस तरह खड़े थे, इस तरह सर जोड़े खड़े रहते थे कि सूर्य ढलने से पहले ही अंधेरा हो जाता। और अल्लाह वाली इसलिए कि वो सचमुच अल्लाह वाली थी। 24 घंटे नमाजें पढ़ती रहती थी। 5 फर्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद, इशराक, चाश और कज़ाए उम्री और न जाने क्या क्या, और नफलों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। जब मौका मिला सर सजदे में, और वजीफे तो सोने पर सुहागा। उनके कमरे में चौकियों का फर्श था, जिस पर एक मैली सी चांदनी बिछी रहती थी और 2-3 गाँव तकिए रखे रहते थे। एक कोने में हिरन की खाल रखी रहती थी, जो घिसते घिसते चिकनी और सपाट हो चुकी थी। सर के बाल जगह जगह से गायब हो चुके थे। ये भी हुजूर की जायनमाज थी। खाल पर 1000 दाना तस्बीह रखती थी और एक पुराना फटा हुआ पंचसूरा। भी हुजूर तहज्जुद की नमाज के बाद एक हलका किया करती थी। वो जाय नमाज पर 2 जानू बैठ जाती और आंखें बंद करके ज़ोर से अल्लाहू अल्लाहू की गर्दान करती। उनका सारा जिस्म इस तरह हिलता जैसे उसमें चाबी भर दी गई हो। पढ़ना, फूंकना, उतारा करना, दम लिया हुआ पानी और तावीज़ देना रोज़मर्रा का मशगला था। किसी को दुआ दरकार होती, किसी को तावीज़, किसी को गंडा, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते थे। अभी हुजूर किसी को मायूस नहीं करती थी, मगर कभी किसी से पैसे नहीं लेती थी। कोई बहुत इसरार करता तो कहती, अच्छा ठीक है, जाय नमाज के नीचे रख दो। अल्लाह मुआफ़ करे, मैंने उनकी जाय नमाज के नीचे से कई बार पैसे चुराए हैं। भी हुजूर जिस तरह इस तरह जमा होने वाली रकम को अपने ऊपर कभी खर्च नहीं करती थी। ये पैसे हर साल अजमेर वाले ख्वाजा के उर्स में जाने के लिए जमा किए जाते थे। उनका कहना था कि मैंने 42 बरस तक बिला नागा ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दी है, बस एक दफ़ा नहीं जा सकी, और इस एक गैर हाजिरी का जिम्मेदार मैं था। मैं एक ज़माने तक उन्हें ढोंगी समझता रहा। उनकी खड़ाने, उनकी अल्लाहू, उनकी झाड़फूँक सब ड्रामा मालूम होती थी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस नज़र आती थी जो अपने कैरेक्टर के अंदर जाकर बाहर आना भूल गई हो। उनके करिश्मों और करामात की दर्जनों कहानियाँ मशहूर थीं, बल्कि अब तक हैं। उनकी तावीज़ों से सूखे पेड़ों में फल आ जाते, वजीसों से बांझ औरतों के पांव भारी हो जाते, वगैरह वगैरह। मेरी एक खालाजाद बहन जो तकरीबन 80 बरस की हैं, कसम खाकर बयान करती हैं कि नानी के कब्ज़े में जिन्नात थे और अक्सर वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते थे। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से भी हुजूर को जिन्नों से बातें करते देखा और उनका हालचाल पूछे देखता है।
ये अलग बात है कि ये जिन सिर्फ बी हुजूर को दिखाई देते थे उन्हें नहीं। मैं कभी कभी नानी के घर जाया करता था, जबकि अम्मा, मेरे तीन भाई और बहन मुस्तकिल वहीं रहते थे। वजह यह थी कि मुझे दादी ने पाला था और मैं बड़ी हवेली में उनके साथ रहा करता था, मगर अम्मा या दूसरे बहन भाइयों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि सास को बहू की सूरत से नफरत थी और अब्बू अलग अलग एक घर लेने और चलाने की पोजीशन में नहीं थे। मैं जब भी जाता नानी ज़रा चौकन्नी हो जाती, क्योंकि मैं उन्हें छेड़ने, परेशान करने का, मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। और कुछ ना मिलता तो ऐसे बेतुके सवाल करता कि वो तंग आकर नमाज की नीयत बांध लेती या बुड़बुड़ाती हुई कमरा बंद कर लेती। मुझे उनका गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा और चढ़ी हुई नाक की झुर्रियाँ देखने में बहुत मज़ा आया करता था। उनकी दुखती रगें भी बहुत सी थीं, किसी पर भी लग जाए तो वो तड़प उठती थी। एक दिन मैंने कहा, अबी हुजूर तुम्हारी बख्शिश तो हो ही नहीं सकती, तुम तो हर रोज़ सवाल करती हो, अल्लाह कौन, अल्लाह कौन। बी हुजूर का मुंह और आंखें ऐसे खुले कि बंद होना भूल गए। जब कानों पर यकीन आ गया तो गरज कर बोली, क्या बक रहा है बदनसीब, मैं अल्लाह वाली हूँ, ये कुफ्र का कलिमा कैसे बोल सकती हूँ। मैंने कहा, तुम रोज़ाना अल्लाहु अल्लाहु करती हो या नहीं। बोली, हाँ करती हूँ, रोज़ करूँगी, मरते दम तक करूँगी अल्लाहु। मैंने कहा, तुम्हें अल्लाहु का मतलब मालूम है। मतलब? वो ज़रा चकरा गई, ये क्या मतलब है। मैंने कहा, अंग्रेज़ी में हु के माने हैं कौन, तो अल्लाहु के क्या माने हुए, अल्लाह कौन। तौबा तौबा, तुम तो अल्लाह की ज़ात पर सवाल उठाती हो। बी हुजूर गुस्से में तमतमा उठी, चेहरा ऐसा लाल हुआ कि बारीक बारीक नीली रगें दिखाई देने लगीं। दांत पीस कर बोली, मत सता, अरे कमबख्त मत सता, देख फिर कहती हूँ, जलाली वजीफे पढ़ती हूँ, मुँह से बद्दुआ निकल गई तो दीन दुनिया दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैं कहाँ दबने वाला था। मैंने सीना तान कर बोला, यकीन नहीं आता तो जाओ पूछ लो पेशकार साहब से, हु का मतलब कौन और अल्लाह का मतलब अल्लाह कौन होता है। इससे पहले कि वो मुझ पर खड़ाऊँ फेंक कर मारती, मैं भाग खड़ा हुआ। उन दिनों मेरी उम्र 15 बरस की थी, पूरी मूंछें तो नहीं निकली थी मगर जहन बालिग हो चुका था। गरीब बच्चे यूं ही ज़रा जल्दी जवान हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में जिस मासूमियों तो बेफिक्री का नाम है वो फटे हालों के घरों में नहीं आया करती। अब्बू के पास कोई काम नहीं था, वो ज़्यादा वक्त भोकन सरन हलवाई की दुकान पर बैठ के गुजारते थे। भोकन चाचा उनके बचपन के दोस्त थे और उनकी दुकान छोटी मोटी सियासी मरकजियों सरगर्मियों का मरकज़ थी, मरकजियों का सरगर्मी नहीं थी। उसमें अब्बू पेश पेश रहा करते थे, मगर मुसीबत ये थी कि ईमानदार सियासत और शोहरत तो दे देती है, खाने को पैसे नहीं मिलती। इसलिए बाहर तो अब्बू का बड़ा नाम था मगर घर के अंदर अल्लाह के नाम के सिवा कुछ नहीं था। मैं खाली बैठे बैठे अक्सर सोचता रहता था कि लोगों के पास खर्च करने के लिए इतने बहुत से पैसे कहाँ से आते हैं। किसी खाते पीते घर में जाता तो ज़रूर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता कि उनकी खुशहाली का राज क्या है। धीरे धीरे पता चला कि पैसा 3 समतों से आता है, बाप दादा के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए और बिजनेस से। अब कम उम्री की और कम इल्मी की वजह से नौकरी तो मुमकिन नहीं थी, इसलिए मुझे बिजनेस वाला आइडिया बहुत पसंद आया, मगर बिजनेस ऐसी होनी चाहिए थी जिसमें पैसा न लगाना पड़े। सोचते सोचते दिमाग हड़ताल पे चला गया, मगर ऐसा कोई कारोबार समझ में ना आया जो बग़ैर माल लगाए शुरू हो सके। तब यूँ हुआ कि मेरे दोस्त शकील ने एक दिन मुझसे कहा, चलो नुमाइश देखने चलते हैं। ये नुमाइश एक मेला हुआ करता था जो हर साल शहर के बाहर लगता था और 15-20 दिन तक खूब चहल पहल रहती थी। हम देर तक
इस रंगारंग तमाशे को देखते हुए घूमते रहे। वापस जा रहे थे तो एक अंधेरे कोने में से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत से बच्चे और बड़े ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। गौर से देखा तो एक टेंट जैसा नज़र आया जिसमें अंधेरा था और आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थीं। शकील ने कान लगाकर सुना, ये क्या चक्कर है? झांक कर देखा तो पता चला कि एक छोटे से स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म दिखाई जा रही है। देखने वाले चटाइयों पर बैठे हैं और एक लड़का एक पुराने साइलेंट प्रोजेक्टर का हैंडल घुमा रहा है। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा कि मेरी उम्र का एक मैला कुचैला सा लड़का है। बोला, आठ आने निकालो। मैंने पूछा, काहे के आठ आने? बोला, सिनेमा देखना है ना, तो बड़ों के चार आने, बच्चों के दो आने। शकील ने डांट कर कहा, नहीं देखना है हमें, ये कोई सिनेमा है? और हम दोनों वहाँ से चल दिए। मगर न जाने क्यों वो प्रोजेक्टर रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा। मैंने ख्वाब देखा कि मैं प्रोजेक्टर चला रहा हूँ, पर्दे पे फिल्म चल रही है और घटती बढ़ती रोशनी में सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे हैं। सवेरे उठा तो ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब नहीं, खुशखबरी थी। कोई धीरे धीरे मेरे कान में कह रहा था कि इससे ज़्यादा सस्ता और अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। मुझे याद आया कि अहमद भाई टोपी वाले की बराबर एक दुकान थी छोटी सी, जिस पे मैंने ऐसा ही एक प्रोजेक्टर रखा देखा था। उस दुकान पर गया तो हैरान हो गया। ऊपर से नीचे तक ऐसी चीज़ों से भरी हुई थी जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऊपर से नीचे तक उसमें धूप के शीशे, मज़हबी किताबें, एल्युमिनियम के बर्तन, बिजली के पुराने पंखे इस तरह घुल मिल कर बैठे थे जैसे रंग, नस्ल, ज़ात और कबीले का कोई फ़र्क ही ना रह गया। इसी अंबोह में दो प्रोजेक्टर भी दिखाई दिए। इनमें से एक के शीशे की आंख चमक रही थी, दूसरे की थी ही नहीं, यानी उसका लेंस ही गायब था। मैं दुकान के तख्ते पर बिछी हुई मैली धब्बेदार दरी पर बैठ गया और मैंने पूछा, वो प्रोजेक्टर? उस आदमी ने जो एक पुरानी दीवार घड़ी को खोले बैठा था बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखा और फिर आँख वाला प्रोजेक्टर उठाकर मेरे सामने रख दिया। न जाने क्यों मुझे इस प्रोजेक्टर पर बहुत प्यार आया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूँ। पता नहीं उसने क्या क्या तमाशे दिखाए होंगे दुनिया को। मुझे वो बड़ा उदास सा लग रहा था। रंग जगह जगह से उतर गया था। लैंप बॉक्स का दरवाज़ा कुछ टेढ़ा हो गया था। लेंस पर धूल भी जमी हुई थी जो मैंने अपनी उंगली से साफ की। मैंने पूछा, ये चलता है? दुकान वाले ने प्रोजेक्टर अपनी तरफ घसीटा, दो उंगलियों से एक छोटा सा हैंडल घुमाया। बाहर घुर घुर की आवाज़ हुई और ऐसा लगा जैसे बेजान मशीन में जान आ गई हो। फिल्म देखने आए हो तो शाम को आना, दिन के उजाले में कुछ नहीं दिखाई देता। पता नहीं क्यों उस प्रोजेक्टर को छोड़कर दिल नहीं कर रहा था। वो आदमी बड़ी दिलचस्पी से मुझे देखता रहा। उसके मुंह में शायद सुपारी का टुकड़ा था जिसे वो धीरे धीरे चबा रहा था और मुंह से कट कट की आवाज़ें निकाल रहा था। वो फिर एकदम से खड़ा हुआ। एक डिब्बे में से उसने फिल्म का रील निकाला, रील को प्रोजेक्टर में चढ़ा दिया और बोला, इधर आंख लगा के देखो। मैंने एक आंख बंद की और दूसरी लेंस पर लगा दी। आदमी ने हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। मेरे सामने एक इंच बाई सवा इंच का फ्रेम जिंदा हो गया और मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दिलीप कुमार पियानो बजा रहा था। नरगिस पियानो पर झुकी हुई थी, उसकी सोई सोई आंखें किसी को ढूंढ रही थी। मुझे आवाज़ भी सुनाई देने लगी, तू कहे अगर। प्रोजेक्टर रुक गया। तस्वीर थोड़ी देर तक रही, फिर वो भी हट गई। मैं उस जादू से बाहर ना आ सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो चलती फिरती तस्वीरें मेरी रगों में चल रही हैं। उस आदमी ने, जिसका नाम रफीक भाई था, रील निकालते हुए कहा, एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है। मैंने बड़े अदब से प्रोजेक्टर को देखा और धीरे से पूछा,
इसकी कीमत क्या है? बोला 1000 रुपए। उसने जरा जोर से कहा, प्रोजेक्टर को उठाकर उसकी असल जगह पर रख दिया। मुझे इतना अंदाज़ा तो था कि वो कोई बड़ी सी रकम बोलेगा, मगर 1000 रुपए बोलेगा, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता था। तब तक मैंने 1000 रुपए बस एक बार देखे थे। रिश्ते की एक फूफी पाकिस्तान से आई थी और पाकिस्तानी रुपए देखकर हिंदुस्तानी रुपए ले रही थी, तो 1000 का एक नोट नीचे गिर गया था, गहरे नीले रंग का बड़ा सा नोट जिस पर सफ़ेद हरूफ में मोटा मोटा लिखा था 1000। मैंने उठाकर उन्हें दे दिया। काश वो नोट इस वक्त मेरे पास होता। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या बात करते हो, इस टूटे फूटे प्रोजेक्टर के 1000 रुपये कौन देगा? वो बोला, नया 10000 का मिलता है, जर्मन है, जर्मन, ये चीज़ें हम मिलती कहाँ हैं। उसने अपनी दीवार घड़ी अपनी तरफ घसीटी और उस पर झुक गया। मैंने बोला, ठीक ठीक बोल, बताओ क्या लोगे? कहने लगा, चलो 900 दे देना बस। मैंने कहा, आखिरी बात है? बोला, आखिरी बात। मैं बहुत देर तक बैठा रहा। उसने बिल्कुल मेरी तरफ सर उठाकर भी नहीं देखा। मैंने एक आखिरी नज़र प्रोजेक्टर पर डाली और चल दिया। 900 रुपए! मैं अपने दिल में हंसा कि चलो हटाओ, कुछ और बिजनेस करेंगे। मगर सोच तो जैसे प्रोजेक्टर का रील बन गई थी, उतर ही नहीं रही थी। शकील ने मेरी स्कीम को सुना तो उछल पड़ा, यार ये तो कमाल का आइडिया है यार, मगर फिल्म दिखाएंगे कहाँ, इसके लिए तो कोई कमरा या दुकान लेनी पड़ेगी। मैंने बताया कि नानी के घर का पिछला दरवाज़ा जो गली में खुलता है दोहरा है, यूँ समझो कि एक लंबी सी कोठरी है, उसमें कुछ कबाड़ रखा है, उस कबाड़ को निकाल दिया जाए तो 15-20 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। शकील जोश में आकर खड़ा हो गया, फिर तो कोई मसला ही नहीं है यार। मगर जब उसने प्रोजेक्टर की कीमत सुनी तो सारा जोश ख़त्म हो गया। बहुत देर तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, 900 रुपये, अरे बाप रे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए 900 या 1000 रुपये कोई बड़ी रकम थी। अच्छे घर का बेटा था, बाप का कारोबार भी अच्छा चलता था, उस घर में शकील के अलावा किसी ने फिल्म नहीं देखी थी। ऐसी जगह से सिनेमा चलाने के लिए पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शकील के पास 300 रुपये जमा थे जो वो हर वक्त देने के लिए तैयार रहता था, मगर 300 से क्या होता था। वो प्रोजेक्टर मेरे हवास पर इस तरह छा गया था कि हर वक्त हर दफ़ा हर तरफ दिखाई देता था। जब भी वक्त मिलता मैं रफ़ीक की दुकान पर चला जाता, इधर उधर की बातें करता और हसरत से प्रोजेक्टर देखता रहता। रफ़ीक तेज़ आदमी था, 2-4 दिन ही में समझ गया कि चक्कर क्या है। हंस के कहने लगा, इतनी मोहब्बत तो किसी लौंडिया से भी नहीं करता जितनी तुम्हें इस मशीन से होती है। मैं भी हंस दिया। मैं कहा, हाँ होती हो तो लग गई है रफ़ीक भाई, मगर तुम अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए तैयार ही नहीं हो। वो बहुत ज़ोर से हंसा, उसे मेरा जवाब पसंद आया था, तो वो मेरी तरफ झुका और आवाज़ दबाकर बोला, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, एक दोस्त के पास 300 हैं बस। बस? अरे 5 की तो मेरी खरीदी है, 300 मैं कैसे दे दूँगा। मैंने कहा, अच्छा तो 500 ले लो, समझो कोई नफ़ा नहीं हुआ। मुख्तसर ये कि बहुत मनाने परचाने और खुशामद करने पर वो जालिम 600 रुपये में राजी हो गया, एक प्रोजेक्टर और उसके साथ मिकी माउस की एक रील देने पर। शकील ने उसी शाम 300 रुपये लाकर मेरे पास रख दिए, मगर शर्त ये रखी कि अगर इसे लौटाने की बात की तो दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये था कि बाकी 300 कहाँ से लाए जाएं। दिमाग पर बहुत जोर डाला मगर ऐसी कोई सूरत नज़र ना आई जो एक बच्चे के जवान इरादों की हिम्मत बढ़ा सके। मैंने रफ़ीक से 15 दिन का वक्त लिया था और वो इन मिनटों के हिसाब से बिखरते जा रहे थे।
میرے سارے ارادے سارے خواب صرف 300 روپے دور تھے، مگر یہ 300 روپے کتنی دور تھے؟ اس کا جواب وہ پیاسا ہی جان سکتا ہے جو صحرا میں پھنس گیا ہو۔ میری بے چینی اور بیتابی کا یہ عالم تھا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور چاروں طرف دیکھتا تھا کہ گھر میں شاید کوئی چیز نظر آ جائے جسے بیچ کر پیسے حاصل کیے جا سکیں، مگر وہاں اندھیرے اور ننگی دیواروں کے ساتھ علاوہ تھا کیا۔ اماں کو ساری کہانی معلوم تھی، انہیں مجھ سے ہمدردی بھی تھی۔ ایک دن مجھے بہت اداس دیکھ کر کہنے لگیں، تو بھی حضور سے کیوں نہیں مانگ لیتا؟ میں نے کہا، میں حیران ہو گیا۔ بولی، اتنے تو ہوئیں گے ان کے، نکل ہی آئیں گے ان کے پاس۔ میں نے کہا، اول تو ان کے پاس ہوں گے نہیں، ہوئے بھی تو مجھے کبھی نہیں دیں گی۔ ماں بولی، کیوں نہیں دیں گی؟ دنیا بھر کا خیال کرتی ہیں، سگے نواسے کی مدد نہیں کریں گی کیا؟ میں نے کہا، نہیں کریں گی اماں، نہیں کریں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک سنیما دیکھنا گناہ عظیم ہے، وہ بد دعائیں دیں گی اور کفر کا فتویٰ جاری کر دیں گی۔ مگر اماں تو اماں تھیں، اڑ گئیں، چل ہٹ، میں بات کروں گی۔ اماں نے بھی حضور کو میری ضرورت اور ضرورت کی وجہ بتائی تو وہی ہوا جو ہونا تھا، وہ تو آپس باہر ہو گئیں، ایسی ویسی باتیں سنائیں کہ اماں کو رونا آ گیا اور میں گھر سے باہر بھاگ گیا۔ رفیق کو جب پتہ چلا کہ پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا تو بہت زور سے ہنسا، بالکل ایسا لگا جیسے اس نے کوئی بہت ہی گندی سی گالی دی ہو۔ مجھے معلوم تھا یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں ہے۔ میں دیر تک حسرت سے اس پروجیکٹر کو دیکھتا رہا، پھر چلا آیا۔ بی حضور کے لیے میری نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تو کسی سے مانگ کر بھی دے سکتی تھیں، مگر انہیں تو اپنا مذہبی ڈھونگ دکھانا تھا، اس لیے جان بوجھ کر میری مدد نہیں کی تھی۔ چونکہ اماں وہاں رہتی تھیں اس لیے ان کے گھر جانا ہی پڑتا تھا۔ جتنی دیر میں وہاں ٹھہرتا، انہیں گھورتا رہتا یا تانے مارتا رہتا۔ ایک دن وہ کسی عورت کو محنت کے فائدے سمجھا رہی تھیں کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کرتے ہیں ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا، اللہ مدد تو کرتا ہے، بندے کسی کی مدد نہیں کرتے، خالی نصیحتیں کرتے ہیں۔ بھی حضور نے سر گھما کے مجھے دیکھا اور دیر تک گھورتی رہیں، پھر واپس اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ وہ فروری کا مہینہ تھا، مگر شام کو بے موسم برسات ہو گئی تو سردی اور بھی بڑھ گئی۔ میں نانی کے گھر پر ہی رک گیا۔ بیری کے پیڑ کے نیچے لکڑی کی ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر اوپر دیکھا تو بیری کی پتلی پتلی کانٹے دار ٹہنیوں میں جال میں پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ شاید 14ویں رات تھی، نیلگوں دودھیا روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور میرے چاروں طرف زمین پر چاندنی کے چھوٹے چھوٹے قطلے اس طرح پڑے تھے جیسے چاندی کے گول گول چمکتے ہوئے روپے بکھر گئے ہوں۔ میں دیر تک ان روپوں کو گنتا رہا، مگر وہ ہزاروں تھے۔ میں گنتے گنتے تھک گیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے سوچا، اگر اتنے روپے مجھے مل جائیں تو۔ اتنے میں پیروں کی آہٹ سنائی دی تو آنکھ کھول کر دیکھا، بی حضور آ رہی تھی۔ ان کی موٹی سوتی کالی شال پر چاندنی کے روپے اس طرح گر رہے تھے جیسے کوئی نچھاور کر رہا ہو۔ وہ میرے پاس آ کر رک گئیں، شال میں سے میلے رومال میں بندھی ایک پوٹلی نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ تجھے 300 روپے چاہیے تھے، یہ پورے 300 ہیں۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا، بہت کوشش کی کہ کچھ بولوں مگر آواز ہی نہیں نکلی، کوئی چیز گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ آواز تھی، الفاظ تھے یا شرمندگی تھی۔ بولیں، بس اتنی مہربانی کرنا، میرے گھر کو سنیما گھر نہ بنانا۔ انہوں نے پوٹلی میری گود میں ڈالی، سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا اور چلی گئیں۔
दूसरे दिन सवेरे जब मैं रफ़ीक की दुकान पर जा रहा था तो अम्मा ने बताया कि बी हुजूर ने अजमेर शरीफ जाने के लिए जो पैसे जमा किए थे वो दे दिए गए हैं, उनके साथ जाने वाले जा चुके हैं मगर वो ख्वाजा के सलाम को हाज़िर नहीं होंगी। इस बात का असर दिल पर तो बहुत हुआ, उड़ते हुए पैर भी रुक गए, क्योंकि बी हुजूर अजमेर जाने का किराया और वहाँ 10 दिन ठहरने का ख़र्चा साल भर तक जमा करती रहती थी, वापस आकर महीनों चहकती रहती हैं और अगले साल के ख्वाब देखती रहती। मेरी वजह से उनका बरसों का पुराना सिलसिला टूट गया। अफसोस तो बहुत हुआ लेकिन दिल की आवाज़ ने हौसला दिया, अरे बी हुजूर प्रोजेक्टर आने दीजिए, अगले साल अजमेर शरीफ का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दुकान पर पहुंचकर मैंने 600 रुपये रफ़ीक के सामने रख दिए और कहा प्रोजेक्टर कहाँ है निकालो। रफ़ीक ने 2-3 बार मुझे और नोटों को देखा और बोला वो तो बिक गया। मैं मगर तुमने तो वादा किया था रफ़ीक भाई, 4-15 दिन का वादा किया था, महीने से ऊपर हो चुका है। रफ़ीक सच बोल रहा था, मैं कर ही क्या सकता था। 600 रुपये का बोझ उठाए उस खाली जगह को देखता रहा जहाँ पहले प्रोजेक्टर रखा रहता था और अब एक बंद घड़ी नज़र आ रही थी। दुकान से वापसी पर मैं शकील से मिला, उसके 300 रुपये शुक्रिया के साथ वापस कर दिए। बी हुजूर चौकी पर दो जानू बैठी वजीफा पढ़ रही थी, उनकी आंखें बंद थीं और सर हिल रहा था। मैंने उनके नोट उसी मेरे रूमाल में लपेट कर जा नमाज पर रखे और आंसू पूछता हुआ बाहर निकल गया। आज बरसों बाद जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो यही ख्याल आता है कि अगर हूरें बूढ़ी हो जाया करती तो बिल्कुल बेहुजूर जैसी नज़र आती।